नमस्कार दोस्तों, ऑरिकुलर थेरेपी की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। ऑरिकुलर थेरेपी क्या होता है, कौन कौन से बिंदु आते हैं और किस तरीके से इलाज किया जाता है, इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑरिकुलर थेरेपी क्या होता है। ऑरिकुलर थेरेपी को ईयर एक्यूप्रेशर या ईयर एक्यूपंचर भी कहा जाता है। हमारे कान में हमारी पूरी बॉडी रिप्रेजेंट होती है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो कान की शेप में होता है। जैसे हमारा कान है वैसे ही पेट में बच्चे की शेप होती है। पूरी बॉडी हमारे कान में रिप्रेजेंट होती है। सारे जॉइंट्स जैसे कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, सारे ही जॉइंट इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। सारे ही ऑर्गन, लीवर, किडनी, हार्ट, चेस्ट, इंटेस्टाइन, स्टमक, सारे ही ऑर्गन इसमें कवर होते हैं। सारे ही ग्लैंड्स के इसमें पॉइंट्स होते हैं। 7 चक्रास तक भी इसमें कवर होते हैं। हमारी पूरी बॉडी हमारे कान में रिप्रेजेंट होती है। हमारा लेफ़्ट ईयर लेफ़्ट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है और राइट ईयर राइट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। हमारा लेफ़्ट ईयर लेफ़्ट किडनी को रिप्रेजेंट करता है और राइट ईयर राइट किडनी को रिप्रेजेंट करता है। ऑरिकुलर थेरेपी में कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से बिंदुओं की लोकेशन है, कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स, जॉइंट्स जो सब हैं, उन सब के बारे में हम ट्रेनिंग में बताते हैं। किन किन बीमारियों पे इलाज किया जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शोल्डर जॉइंट में अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर हुआ है, अर्थराइटिस की किसी को प्रॉब्लम है, डिस्क रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को स्लिप डिस्क है, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए, एंकल पॉइंट, हील पेन, टो में पेन, हेड एक, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, ओवरियन सिस्ट है। पूरी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो टॉक्सिन्स की वजह से है, चाहे वो इम्यूनिटी के डाउन होने की वजह से है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उन सभी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से किया जाता है। कान पर स्पेसिफिक एरिया पर पॉइंट्स लगाए जाते हैं और 3 से 5 सेकेंड के लिए, बल्कि 10 सेकंड तक के लिए स्टिमुलेट किया जाता है स्टील जिम्मी से। और जब स्टिमुलेट करने के बाद हम रिजल्ट देखेंगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो हमने तुरंत अगर हमें रिजल्ट पाना है तो ऑरिकुलर थेरेपी काफ़ी अच्छा काम करती है। ब्रेन के पास है तो ये तुरंत काम करती है, इमीडिएट रिजल्ट इसके आते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम वापस नहीं आती है। इसके लिए हम प्रोटोकॉल तैयार करते हैं कि कौन सी, जैसे किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स के लिए हम कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स लेंगे, कौन कौन से चक्राज लेंगे, उन सब के बारे में प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है ताकि प्रॉब्लम हमें रिवर्स ना हो, वापस नहीं आए। तो इसके माध्यम से हम एक परमानेंट इलाज की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। हमें अपनी बीमारी को परमानेंट ठीक करना है तो ऑरिकुलर थेरेपी इसके में बेस्ट है। हमें पेशेंट को बार बार नहीं बुलाना होता। हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, यहाँ तक कि हम महीने में एक बार भी बुलाकर पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम अपनी ट्रेनिंग में इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। पॉइंट्स की लोकेशन के बारे में बताते हैं कि कौन से पॉइंट कहाँ थे, कौन सा एरिया हमारे कान में रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से ग्लैंड्स, कौन कौन से जॉइंट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हो रहे हैं, कौन कौन से चक्रा कहाँ लोकेटेड हो रहे हैं, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कौन कौन से पॉइंट्स यूज किए जाएंगे और कौन सा प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा, किस तरीके से प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा ताकि प्रॉब्लम वापस ना आए और परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ें। हम अपनी ट्रेनिंग में ऑरिकुलर थेरेपी की में इस सब के बारे में बताते हैं। धन्यवाद।